नमस्कार, पत्रिका टीवी के न्यूज रूम में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हार्दिक दवे। रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। धार में नगरीय निकाय चुनाव हुए संपन्न, भाजपा ने 4 और कांग्रेस ने की 5 सीटें अपने नाम। व्यापारियों की शिकायत पर निगम कर्मी बर्खास्त, कोताही बरतने वालों पर कमिश्नर करेंगे कार्यवाही। एमवाई अस्पताल को मिली बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन यूनिट की सौगात, आज से होगी काम की शुरुआत। कैलाश विजयवर्गीय ने की साइक्लोथॉन की प्रैक्टिस, विजयनगर से राजवाड़ा तक चलाई साइकिल। IIT इंदौर में छात्रों का हंगामा अभी जारी, मैस के खाने में निकलते हैं कीड़े और इल्लियां। धार की नगर सरकार का फैसला अब तक EVM के अंदर बंद था, जो आज जाकर बाहर आ गया है। सुबह 8 बजे सभी के सामने अधिकारियों सहित स्ट्रांग रूम का ताला खुला और 9 बजे EVM मशीन बाहर लाई गई। सबकी नजरें EVM मशीन की मतगणना पर टिकी हुई थी और नजरें टिकी हुई थी उस उद्घोषक पर जो चुनाव के नतीजे घोषित कर रहा था। इसमें भाजपा ने जहां 4 सीटों पर अपना कब्जा जमाया है, वहीं कांग्रेस ने 5 सीटें अपने नाम की है। यहां टक्कर कांटे की रही। अध्यक्ष पद पर जहां ज्यादा सीटें कांग्रेस की रही, वहां पार्षद पद पर भाजपा ने अपना कब्जा जमाया है। वैसे तो 76.5% के साथ सर्वाधिक वोटिंग वाले क्षेत्र डही की गिनती में सर्वाधिक समय लगना चाहिए था, लेकिन मात्र आधे घंटे के अंदर अंदर सबसे पहला परिणाम डही नगर परिषद का घोषित हुआ। 1100 वोटों की बढ़त के साथ भाजपा प्रत्याशी कैलाश कुंवर सिंह कन्नौज ने जीत हासिल की। डही नगर परिषद अध्यक्ष को 2931 मत प्राप्त हुए, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी रण सिंह जमरा को 1695 वोट प्राप्त हुए। 2402 वोटों के साथ डही में 15 में से 12 पार्षद पद भाजपा प्रत्याशियों ने जीते। राज्य निर्वाचन आयोग की साइट पर निर्वाचन संबंधी परिणामों की ताजा जानकारी अपडेट करने के लिए मतगणना स्थल पर ही कंप्यूटर कक्ष तैयार किए गए थे, जिससे लोग लोकल अपडेट्स तक ऑनलाइन देख पा रहे थे। डही के परिणामों के ठीक बाद कुक्षी के परिणाम भी भाजपा के लिए खुशखबरी लेकर आए और नए नगर परिषद अध्यक्ष बने मुकाम सिंह किराड़े ने 8637 वोटों से कांग्रेस के अर्जुन सिंह बघेल को पछाड़ कर जीत अपने नाम की। कुक्षी में भी पार्षद पद के लिए डाले गए कुल मतों का 57% भाजपा तो 39% कांग्रेस को मिला और भाजपा ने यहां भी अपनी जीत का परचम लहराया। तीसरे क्रम पर सरदारपुर के परिणाम खुले, जिससे कांग्रेस का भी खाता खुल गया। सरदारपुर से कांग्रेस प्रत्याशी महेश सिंह ने 2215 वोटों के साथ जीत हासिल की। भाजपा प्रत्याशी रोमा को 1065 वोट ही मिल सके। लगातार दूसरी खुशी कांग्रेस को तब मिली जब मनावर नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष पद पर भी कांग्रेस की संगीता पाटीदार 5787 वोटों के साथ भाजपा की मनुबाई को हराकर नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव जीत गई। वैसे मनुबाई ने 5500 वोट पाकर कांग्रेस प्रत्याशी को बिल्कुल कड़ी टक्कर दी। मनावर में भी पार्षद पदों पर भाजपा कुछ वोटों से आगे ही रही, लेकिन दोनों ही पार्टियों में वोटों का प्रतिशत भाजपा 44% और कांग्रेस 43% ही रहा। अंतर काफी कम था। आगामी नतीजे फिर से भाजपा के पक्ष में आए, जहां एक ओर पीथमपुर के नगर पालिका परिषद निकाय में 28496 के आंकड़े को छूते हुए भारी मतों से भाजपा उम्मीदवार कविता वैष्णव विजय रही, वहीं कांग्रेस की मुन्नीबाई 22492 वोटों पर ही सिमट गई। धामनोद में भी हालात कुछ समान ही रहे। भाजपा के ही दिनेश शर्मा ने 6671 मतों से 5338 वोट प्राप्त करने वाले निर्दलीय उम्मीदवार विष्णु पाटीदार को हरा दिया और नगर परिषद के अध्यक्ष पद पर अपना कब्जा जमाया। राजगढ़ में कांग्रेस के प्रत्याशी भवन सिंह ने 6412 वोटों से भाजपा के 4506 मत हासिल करने वाले ज्ञानेंद्र को मात दी।
राजगढ़ के पार्षद पदों पर भी कांग्रेस का दबदबा रहा। जहां भाजपा के पार्षदों ने 43% वोट अपने नाम किए, वहीं कांग्रेस ने 54% वोटों पर कब्जा जमाया। धर्मपुरी और धार के परिणाम थोड़े विलंब से जरूर आए, लेकिन दोनों ही परिणाम कांग्रेस के पक्ष में रहे। धर्मपुरी में 57% वोटों के साथ जहां कांग्रेस विजयी रही, वहीं भाजपा 27% वोटों पर ही सिमट गई। धार में टक्कर कांटे की थी, 48,905 मत डाले गए, लेकिन उनमें से मात्र 422 वोटों की बढ़त से कांग्रेस के पर्वत सिंह नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद पर विजयी बने। कुल मिलाकर 9 निकायों पर हुए इन चुनावों में 4 पर भाजपा तो 5 पर कांग्रेस ने अपनी सीट पक्की की। पार्षदों की संख्या बीजेपी के प्रत्याशियों की कांग्रेस से कुछ अधिक रही। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत राजवाड़ा स्थित गोपाल मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी और उसके जीर्णोद्धार का काम कल से शुरू हो चुका है। इसका निरीक्षण करने के लिए निगमायुक्त और संभागायुक्त दोनों साथ में निरीक्षण करने पहुंचे। इसके साथ ही कुछ ऐसी चीजें खुदाई में मिली हैं जो ये दर्शाती हैं कि होलकर के काल में अहिल्याबाई का वर्चस्व किन किन देशों पर था, जिसे अब सहेजने की भी बात की जा रही है। इंदौर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के मध्य इलाके में राजवाड़ा और ऐतिहासिक धरोहर गोपाल मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इस काम को 24 महीने में पूरा किया जाना है, लिहाजा तमाम अधिकारी प्रोजेक्ट को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। शुक्रवार को भी संभागायुक्त और निगम आयुक्त और सारे अधिकारी गोपाल मंदिर का दौरा करने पहुंचे। इस मंदिर का निर्माण 200 साल पहले किया गया था। वहीं पिछले कई दशकों से मंदिर पर अवैध कब्जा और अतिक्रमण भी था, जिसे हटाने के बाद मंदिर को फिर से पुराने स्वरूप में लाने के लिए लगातार कवायद जारी थी, लेकिन काम पेचीदा होने की वजह से बहुत धीमी रफ्तार के साथ हो पा रहा था। इसके अलावा मंदिर का एक हिस्सा ढह जाने के बाद से मंदिर का फिर से निर्माण करने में खासी दिक्कतें भी आ रही थी। इन्हीं सारी परेशानियों के चलते तय वक्त पर काम पूरा होना मुश्किल नजर आ रहा है। इसके अलावा जीर्णोद्धार के दौरान कई ऐतिहासिक महत्व की चीजें निकली हैं, जिन्हें सहेजना भी जरूरी है। दौरे के दौरान ही अधिकारियों को 1939 में बना होलकर कालीन भारत का नक्शा मिला है, जिसमें दर्शाया गया है कि देवी अहिल्या का प्रभाव देश में किन किन स्थानों पर था। इन्हीं सब वजह से काम की रफ्तार थोड़ी कम है। अधिकारियों के मुताबिक गोपाल मंदिर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में लिया गया है। चूंकि ये इतनी पुरानी इमारत है, इसीलिए यहाँ बड़ी बारीकी से काम किया जा रहा है। इसके अलावा हमारे पास एक्सपर्ट भी हैं जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लिहाजा कुछ और एक्सपर्ट से भी संपर्क किया जाएगा। इस पूरे काम के लिए 700 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया है। गोपाल मंदिर हमारे लिए एक चुनौती है, क्योंकि करीब 35 साल पहले ये धराशाही हो गया था, इसका काफ़ी बड़ा हिस्सा, और ये पूरा मंदिर और उसके परिसर जो है वो पूरा लकड़ियों से बना हुआ है। इसमें करीब 64 दुकानें थीं, लोगों ने अपने शोरूम्स बना रखे थे, उनको खाली कराना पड़ा है, और उन्होंने जब शोरूम दिया गया था तो उन्होंने उसका उपयोग विभिन्न प्रकार से किया है, इसलिए उसको ओरिजिनल शेप में लाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन जिस तरह से बारीकी से हम लोग काम कर रहे हैं, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जब ये संपूर्ण तरीके से बनकर तैयार होगा, तब आप सबको इस बात का गर्व होगा कि एक बहुत इम्पोर्टेंट धरोहर थी जिसको हम लोग विस्मृत कर रहे थे, जिसको हम भूल रहे थे, वो हमारे गर्व की बात होगी कि हमारे पास वो धरोहर उपलब्ध है। और यहाँ जो आने वाले हमारे पर्यटक हैं या यहाँ के नागरिक हैं, जो सामान्यतः राजबाड़ा में कुछ थोड़ी देर समय बिता करके सराफा या छतरियों में जाते थे, उनके पास पर्याप्त समय देने के लिए स्थान होगा। हम इसको लाइव म्यूज़ियम और साथ ही साथ ओल्ड म्यूज़ियम भी प्रदर्शित करना चाहेंगे, जो उस समय तत्कालीन समय में जो भी चीज़ें थी उनका भंडारण भी यहाँ करना चाहेंगे। इसमें हम यहाँ के जितने भी पुरातत्वविद हैं, जिनकी भी रुचि हेरिटेज में है, उन सबको आग्रह कर रहे हैं, निमंत्रित कर रहे हैं कि वे आए, हमको बताएं कि किस तरह से इसका संरक्षण करना चाहिए, जीर्णोद्धार करना चाहिए, और हम उन सबके सहयोग से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, हम उसको एक पुरानी विरासत को यहाँ पर उस स्वरूप में लाना चाहते हैं जिसे पा करके यहाँ के नागरिक गर्व महसूस कर सकते हैं। हमने ये करीब 24 महीने का समय दिया हुआ है अपने लिए, बट चूंकि पुराना काम है, हम इसमें थोड़ी कम या ज़्यादा भी हो सकता है, चुनौती ज़्यादा बड़ी है, लेकिन हमारा ध्यान ये इस बात पर है कि हम कहीं भी कोई भी चीज़ छोड़े नहीं और कोशिश करें कि उस स्तर का बना सकें जो जिस पर सब लोग ये कह सकें कि हाँ अच्छा काम हुआ है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर की ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। ऐसे में जीर्णोद्धार के दौरान प्राचीन और रोचक जानकारी भी सामने आ रही है।
इंदौर में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर गाज गिरना शुरू हो चुकी है। निगमायुक्त मनीष सिंह ने कार्यवाही करते हुए निगम के एक सहायक यंत्री को बर्खास्त कर दिया है और संबंधित विभाग के वरिष्ठ सचिव को भी इसकी सूचना दे दी गई है कि लापरवाही और कोताही बरतने वाले किसी भी अधिकारी को निगम में कार्य नहीं करने दिया जाएगा। इस अधिकारी की वैकल्पिक व्यवस्था भी मनीष सिंह ने की है। इंदौर में पिछले दिनों गोपाल मंदिर क्षेत्र में हुई कार्रवाई के बाद निगम ने क्षेत्र के व्यापारियों को व्यापार के लिए दूसरे स्थान उपलब्ध कराए थे, जहां पर सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने का जिम्मा निगमायुक्त ने निगम अधिकारियों को सौंपा था। लेकिन निगमायुक्त के आदेश के बाद भी कुछ अधिकारी अपनी आदत के अनुसार काम में लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसकी शिकायत शुक्रवार को व्यापारियों ने निगमायुक्त से की। व्यापारियों का आरोप है कि निगम ने पीने के पानी तक की व्यवस्था करने का जिम्मा जिस अधिकारी को सौंपा था, वो अधिकारी अपने उदासीन और ढीले रवैये के चलते काम नहीं कर रहा है। इस कारण व्यापारियों को खासी दिक्कतों का सामना आए दिन करना पड़ता है, जिसके कारण निगमायुक्त ने मौके से जिम्मेदारों से स्थिति की जानकारी भी ली है। भाई हम लोग है ना, डेढ़ महीने पहले जब महापौर हाउस के बाहर मिले थे, आप सब लोग मीडिया वहाँ मौजूद थी, तो हमारी जो मेन मूल सुविधाएं जो उपलब्ध कराने के लिए मनीष सिंह साहब ने बोला था, वो हमें उपलब्ध नहीं हुई है। डेढ़ महीने से हमारे को कोई पूछने नहीं आया। वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, वो पेवर लगाने के लिए बोला था और रास्ता खोलने के लिए बोला, मार्केट चलेगा ही नहीं जब तक रास्ता नहीं खुलेगा। तो उन्होंने बोला था कि मैं रास्ता खुलवा के दे रहा हूँ, तो अभी तक कोई काम नहीं हुआ। तो अधिकारियों को अभी उन्होंने बात करी, नए अधिकारी नियुक्त कर दिए, पुरानों को हटा दिया। दुकानों की क्या स्थिति है फिलहाल वहाँ? दुकान उन्होंने बोला था कि अभी बनाओ आप लोग, फिर हम लोग ये सब रास्ता वगैरह खोलेंगे। हम लोग दुकानें बना चुके हैं, अब रास्ता नहीं खुलेगा तो हमारा मार्केट नहीं चलेगा, क्योंकि मेन रास्ता ही नहीं खुलेगा तो हम वहाँ धंधा कैसे करेंगे। आपको अस्थायी तौर पर कितने दिन के लिए कहा गया है? डेढ़ साल के लिए कहा गया है कि डेढ़ साल आपको वहाँ पे निकालना है, लेकिन हम निकालने के लिए तैयार, हम संघर्ष करेंगे वहाँ, लेकिन संघर्ष करने के लिए जो मूल सुविधा है जो हमको उपलब्ध करानी है वो तो करा के देवे ना। अगर वो करा के देवे तो हम हमारे काम धंधे से लग जाएंगे, अभी बेरोजगार खड़े सब लोग। व्यापारियों द्वारा मिली इस शिकायत पर निगमायुक्त ने तत्काल कार्रवाई करते हुए लापरवाह सहायक यंत्री मनोज रघुवंशी को कार्यमुक्त करने के आदेश दिए हैं। इसी के साथ निगमायुक्त ने पीएचई के प्रमुख सचिव को भी पत्र लिखकर लापरवाह सहायक यंत्री को निलंबित करने की बात कही। पानी के पीने व्यवस्था मैंने बोली थी और वहाँ मनोज रघुवंशी सहायक यंत्री है, पानी की व्यवस्था नहीं हुई थी, ये इनसेंसिटिविटी है हमारे इंजीनियर्स की, उसको हटा दिया है। और पीएचई का अफसर है, पीएचई के प्रमुख सचिव को भी लिख के भेज रहा हूँ निलंबन के लिए उनका, और वो व्यवस्था बाकी सब व्यवस्थाएं हो जाएंगी। निगम कमिश्नर ने सभी कर्मचारियों को काम में किसी भी प्रकार की कोताही न बरतने के आदेश दिए हैं। अगर कोई कर्मचारी लापरवाही करता हुआ पाया गया या किसी की शिकायत पाई गई तो उस पर तुरंत ही कार्रवाई की जाएगी। इस नए साल में इंदौर को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई सौगात मिली है। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमवाई अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन यूनिट का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। ये 5 करोड़ की लागत से बना है, जिसमें दीनदयाल योजना और कार्डधारी लोगों के लिए यहाँ निःशुल्क बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होगा। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमवाई अस्पताल के कायाकल्प अभियान के दौरान जब मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर थे, उस दौरान अमेरिका में डॉक्टर प्रकाश सतवानी ने बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट के लिए दान देने की घोषणा की थी। तब चिकित्सकों को अमेरिका में 6 माह की ट्रेनिंग के लिए भी भेजा गया। चिकित्सकों की ट्रेनिंग फरवरी तक पूरी हो जाएगी, जिसके बाद चिकित्सक अपनी सेवाएं एमवाई अस्पताल में प्रदान कर पाएंगे। यूनिट स्थापित होने के बाद विशेषज्ञों के साथ चयनित बच्चों के बोन मेरो ट्रांसप्लांट भी किए जाएंगे। पिछले 1 वर्ष से एमवाई अस्पताल की 4थी मंजिल पर बोन मेरो ट्रांसप्लांट का कार्य चल रहा था। वर्तमान में बोन मेरो के लिए इंदौर और इसके आसपास के मरीजों को निजी अस्पतालों में ही जाना पड़ता है, लेकिन अब ये सुविधा एमवाई अस्पताल में भी मुहैया कराई जाएगी। इसमें जो विशेषता ये है कि जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर बोन मेरो ट्रांसप्लांट होता है,
उसमें करीब 25 से 30 लाख रुपए की लागत आती है। हम इसको हमारे दीनदयाल योजना वाले और गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं उनका ट्रांसप्लांट मुफ्त में करने जा रहे हैं, और जो अबो पावर्टी लाइन है उनमें जो डिस्पोजेबल्स यूज होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसीजर उसकी लागत लगभग 3 लाख रुपए होती है। वो भी हमने शुरुआत में उनसे नहीं लेने का फैसला किया है, और कुछ दानदाता हमारे पास आए हैं वो दान स्वरूप वो राशि हमको दे रहे हैं, तो पूरी कोशिश है कि हम उसको भी फ्री करेंगे। यह कार्य बहुत कठिन कार्य है जो हम करने जा रहे हैं, जो कि पूरे देश में 4 सेंटर और हैं जहां पर ये हो रहा है। एक वेलोर है, एक बेंगलोर है, एक अहमदाबाद है, और एक सेंटर शायद जो टाटा रिसर्च कैंसर इंस्टीट्यूट है बॉम्बे में वहाँ होता है। उसके बाद में जो सुविधा हम देने जा रहे हैं, मतलब यहाँ हमने 6 कमरों की बोन मैरो यूनिट बनाई है जिसमें 6 लोगों का एक बार में बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो सकेगा। इतनी बड़ी यूनिट पूरे देश में नहीं है, और जिस तर्ज पे हम करने जा रहे हैं, मतलब जैसा मैंने बताया कि हम इसको फ्री में करने जा रहे हैं, वो भी सुविधा सिर्फ हमारे यहाँ है। बाकी लोग जो हैं इसके लिए जो भी पैसा होता है, कोई 10 लाख रुपए, कोई 15 लाख रुपए चार्ज करते हैं, बेंगलोर वाले भी 8 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं, वो ट्रस्ट वाला है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट के उद्घाटन के बाद से काम शुरू हो जाएगा। वहीं बीपीएल और दीनदयाल योजना के कार्डधारी मरीजों के लिए ये सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क होगी। सरकार खुद इसका खर्चा उठाएगी, जिसकी कीमत तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए निजी अस्पतालों में होती ही है। इंदौर एयरपोर्ट पर एक अजीब सा वाकया सामने आया है, जिसमें एक कार चालक ने खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया और शुल्क न देने की एक छोटी सी बात पर पार्किंग संचालक के साथ मारपीट शुरू कर दी। शुक्रवार को देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट की पार्किंग में एक कार सवार ने खुद को क्राइम ब्रांच का अफसर बताते हुए पार्किंग कर्मी की पिटाई कर दी। पार्किंग संचालक नरेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि शाम 4 बजे काउंटर नंबर 2 पर एक स्विफ्ट डिजायर कार पहुंची। वहां कर्मचारी शुभम यादव ने कार चालक से सिप मांगी तो वह खुद को क्राइम ब्रांच का अफसर बताते हुए अपशब्द कहने लगा और जेल में बंद करने की धमकी तक दी। कर्मचारी के विरोध करने पर बात हाथापाई तक जा पहुंची। बूथ पर लगे सीसीटीवी कैमरे ने यह पूरा वाकया कैद कर लिया है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी चालक की जांच में जुट चुकी है। आज दोपहर 4:02 की बात है, एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी आई काउंटर नंबर 2 पे, जिसमें हमारा कर्मचारी शुभम यादव बैठा हुआ था। उसने वाहन मालिक से कहा कि आपकी स्लिप दिखाओ, तो उसने आवेश में उतर कर कहा कि मैं क्राइम ब्रांच का अधिकारी हूँ, तुम मेरे से स्लिप मांगोगे, और इस प्रकार से बोलते हुए मारपीट करने लगा, गाली गलौज बकने लगा और कहने लगा कि मैं तुझे थाने में ले जाके बंद कर दूंगा। और जब उससे आई कार्ड भी बोला तो आई कार्ड भी नहीं दिखाते हुए। डीपीएस बस हादसे के बाद इंदौर में कई चालक ऐसे हैं जो इस बात का ध्यान रखते हैं कि वे जब भी सड़क पर निकलें तो उनकी स्पीड 60 के स्पीड से कम हो, लेकिन अब भी कुछ ट्रक चालक ऐसे हैं जो इतने बड़ी दुर्घटना के बाद भी उससे सबक नहीं ले पाए हैं। ये वीडियो इंदौर के गांधीनगर क्षेत्र के पार्षद ने बनाया है। आए दिन होने वाले सड़क हादसों का कारण ये तेज स्पीड से जा रहे ट्रक ही है। ये ट्रक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सड़कों पर दौड़ा जा रहा है। स्पीड इतनी तेज है कि यदि थोड़ी भी चूक हो तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। पार्षद ने ट्रक का पीछा करते हुए ये वीडियो बनाया है। जाने माने पापड़ ब्रांड 420 कंपनी के खिलाफ उसी के कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं। आज सुबह से ही कर्मचारी सड़कों पर बैठकर कंपनी के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। आज सुबह 420 पापड़ कंपनी के खिलाफ कंपनी के कर्मचारी प्रदर्शन करने सड़कों पर उतर आए। पंचकुया के पास स्थित फैक्ट्री पर सुबह से ही कंपनी के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई और कई कर्मचारी काम पर ही नहीं गए। कर्मचारियों से जब इस संबंध में बात की गई तो उनका कहना था कि हमें साप्ताहिक अवकाश तक नहीं दिया जाता है और कई तरह से प्रताड़ित भी किया जाता है। कंपनी का रवैया कर्मचारियों के प्रति सही नहीं है। वहीं संबंध में जब कंपनी के मालिक नारायण अग्रवाल से बात की गई तो उनका कहना था कि कर्मचारियों की छोटी मोटी समस्याएं आती रहती हैं, जिसे हम जल्द ही दूर कर देंगे। हमारे यहां कर्मचारियों को जितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं उतनी किसी संस्थान में नहीं मिलती हैं, लेकिन कुछ कर्मचारी नाजायज फायदा उठाते हुए सिर्फ नेतागिरी करना चाहते हैं।
और इस तरह प्रदर्शन करने उतर आए हैं। आईआईटी इंदौर के छात्र छात्राओं ने मेस में मिल रहे गुणवत्ता विहीन खाने के खिलाफ फिर से मोर्चा खोल दिया है। छात्रों की मांग है कि उन्हें मेस के अलावा जो दो कैंटीन अब तक चले आ रहे थे, जहां सस्ता और गुणवत्ता युक्त भोजन मिलता था, उसे फिर से शुरू किया जाए। बुधवार को आईआईटी प्रबंधन ने अचानक दोनों कैंटीन बंद कर दिए, जिस वजह से छात्रों के पास उस मेस में खाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, जहां पर पहले भी खाने में कीड़े और इल्लियां निकलती आई हैं। इसी के चलते छात्र छात्राओं ने मिलकर डायरेक्टर के बंगले का घेराव किया और जमकर नारेबाजी भी की। आईआईटी इंदौर में इसी सप्ताह बस संचालन की अव्यवस्था पर पीएचडी करने वाले छात्रों ने पैदल मार्च निकाला था। अब बीटेक के छात्र छात्राओं ने मेस के खाने की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए प्रबंधन को आड़े हाथों लिया है। गुरुवार रात हॉस्टल में रह रहे छात्र कैंपस में बने डायरेक्टर प्रोफेसर प्रदीप माथुर के बंगले पर पहुंचे और डायरेक्टर से बाहर आकर परेशानी सुनने की मांग की, लेकिन छात्रों के आक्रोश को देखते हुए वे परेशानी सुनने तक बाहर नहीं निकले, जिससे गुस्साए छात्रों ने मेन गेट पर धरना देकर नारेबाजी शुरू कर दी। लगभग एक घंटे हंगामे के बाद कुछ प्रोफेसर समझाइश देने भी पहुंचे, लेकिन छात्र डायरेक्टर से मिलने पर अड़े रहे। कुछ प्रोफेसर्स ने धमकाते हुए नाम व क्लास के बारे में पूछताछ शुरू कर दी, जिसके बाद छात्रों ने सिर्फ इतना ही कहा कि ये हम सबकी समस्या है और कुछ लोगों के नाम नहीं दिए जा सकते। प्रबंधन द्वारा लिखित आवेदन मांगने पर छात्रों ने कहा कि कई बार ईमेल पर शिकायत कर चुके हैं, पत्र लिख चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं हुआ है। मेस का ठेका भोपाल कैटरर्स के पास है। छात्र 3 साल से गुणवत्ता विहीन खाना परोसने की शिकायत भी कर रहे थे, लेकिन उस ओर अब तक प्रबंधन का ध्यान नहीं गया था। खाने में कई बार इल्लियां और कीड़े भी निकल चुके हैं, लेकिन हालत जस की तस है। अब देखना यह होगा कि क्या छात्रों को गुणवत्ता युक्त भोजन मिल पाता है या प्रबंधन इस आवाज को भी दबा देता है। कांच पर ब्लैक फिल्म लगी कार को रोकना एक पुलिसकर्मी के लिए महंगा पड़ गया है। दरअसल एक पुलिसकर्मी ने जब देखा कि पटेल प्रतिमा के पास एक कार चालक अपनी कांच पर काली फिल्म लगाकर जा रहा है, तो उसे उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह रोकने के लिए दौड़ा, कार चालक पुलिसकर्मी को घीसता हुआ कई दूर तक ले गया। फिलहाल पुलिस ने उस कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच में जुटी है। घटना छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र के पटेल प्रतिमा के पास की है, जहां रात के समय ट्रैफिक पुलिस शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। तभी पुलिस को वायरलेस पर कॉल आया कि एक ब्लैक फिल्म लगी तेज गति कार पटेल प्रतिमा की तरफ आ रही है और उसे रोका जाए। जब पुलिसकर्मी अजय ने इसे रोकना चाहा, तो चालक अजय को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ गया, लेकिन पुलिसकर्मी के हाथ में गाड़ी का वाइपर आ गया, जिसके सहारे पुलिसकर्मी गाड़ी पर लटक गया। गाड़ी चालक काफी दूर तक अजय को अपने साथ घीसता हुआ ले गया और बाद में पुलिसकर्मी ने कार चालक को पकड़ लिया। मिला मेरे को ब्लैक फिल्म की गाड़ी जा रही है, इसको पकड़ो। तो गाड़ी पकड़ते समय तो गाड़ी वाला मेरे को टक्कर मार दिया, मैं बोनट में गिरा, मेरे हाथ में वाइपर आ गया, वाइपर पकड़ेगा घसीटते हुए मुझे ईदगाह तक ले गया, पटेल प्रतिमा से ईदगाह तक ले गया। वहाँ पे क्या चेकिंग पॉइंट लगा हुआ जी? चेकिंग गाड़ी रोक रहे थे जी। चेकिंग पॉइंट कौन सी गाड़ी थी? ये गाड़ी कार थी। अभी तक पकड़ में आई गाड़ी? हाँ, गाड़ी थाने में खड़ी हो गई। ड्राइवर के नशे वशे में था या क्या था, क्यों? नशे में नहीं, जो सामान था, सामान ब्लैक फिल्म की गाड़ी थी। क्या डर के मारे उसने ऐसा किया? डर के मारे जो नहीं हुआ था, वो जानबूझ के ऐसा घटना किया। घायल पुलिसकर्मी को उपचार के लिए एमवाई अस्पताल पहुंचाया गया। मामले में पुलिस ने गाड़ी चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर के एमआईजी पुलिस ने ब्राउन शुगर का नशा करते एक युवक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस उसकी मेडिकल जांच करवाकर अब ये पता लगाने में जुटी है कि ब्राउन शुगर जैसा नशीला पदार्थ वो लाता कहां से था। एमआईजी पुलिस ने शुक्रवार रात शिव शक्ति नगर में रहने वाले आनंद यादव को पकड़ा। पकड़ाया युवक ब्राउन शुगर का नशा कर रहा था, जिसके कब्जे से कुछ सामग्री भी जब्त की गई है। आनंद यादव पिता अवैध प्रसाद यादव, शिव शक्ति नगर का है ये, संजय गांधी नगर में ब्राउन शुगर पी रहा था। उसके कब्जे से जो साधन है पीने के, वो जब्त किए गए हैं, गिरफ्तार किया गया, उसका मेडिकल कराया जा रहा है।
अभी तक जानकारी नहीं मेरी, हो सकता दिखवाई। पुलिस ने नशेड़ी आनंद का मेडिकल चेकअप करवा कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आनंद ये प्रतिबंधित ब्राउन शुगर आखिर लाता कहां से था। इंदौर में होने वाली साइक्लोथॉन को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय काफी उत्साहित हैं और यही कारण है कि आज सुबह से वे अपने साथियों के साथ साइकिल पर राइड करने निकल पड़े। विजयनगर चौराहे से लेकर राजवाड़ा तक उन्होंने अपने साथियों के साथ साइकिल चलाई और इंदौर की सबसे पसंदीदा दुकान पर उन्होंने अपने साथियों को नाश्ता भी कराया। इस दौरान पूरे समय उनके साथियों का सड़क पर स्वागत होता रहा। रविवार को इंदौर में होने वाली साइक्लोथॉन को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने साइकिलिंग की प्रैक्टिस की। बताया जा रहा है कि 25,000 से ज्यादा लोग इस इवेंट में भाग लेने जा रहे हैं, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। इंदौर में मैराथन की तर्ज पर साइक्लोथॉन का आयोजन रविवार को होना है। इसे लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने शनिवार को साइकिलिंग की प्रैक्टिस की। विजयवर्गीय ने शनिवार को विजयनगर चौराहे से लेकर राजवाड़ा तक साइकिलिंग की। रविवार को इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई लोग इंदौर वासी शामिल होने वाले हैं और एक नया रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव ने बताया कि रविवार को होने वाले साइक्लोथॉन में देश के कई राष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल होंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। वहीं विजयवर्गीय ने यह भी बताया कि स्वस्थ रहने के लिए साइकिलिंग सबसे अच्छा उपाय होता है। सभी लोगों को साइकिलिंग करते रहना चाहिए, जिससे हम स्वस्थ और तंदुरुस्त रह सकते हैं। और हमारी जो कल साइक्लोथॉन होने वाली है, वो दुनिया की सबसे बड़ी साइक्लोथॉन होगी। लगभग 25,000 से ज़्यादा लोग रहने वाले। अभी तक हमारा 21,000 का रजिस्ट्रेशन कल रात तक हो गया था। आज शाम को 5 बजे तक हम वो रजिस्ट्रेशन करेंगे, 5 बजे बाद रजिस्ट्रेशन बंद कर देंगे। और मुझे लगता है कि आज शाम तक भी 10,000 रजिस्ट्रेशन और हो जाना चाहिए। जिस प्रकार लोगों में उत्सुकता है, तो ये विश्व रिकॉर्ड होगा। पहला भी विश्व रिकॉर्ड हमारे नाम है, हमने 18,500 साइकिलों का निकाला था। और इस बार भी जो विश्व रिकॉर्ड बन रहा है, वो हमारा रिकॉर्ड हम ही तोड़ रहे हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट है। और कुल मिलाकर प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात में कहा था कि साइकिल एक सस्ता वाहन है और इसका उपयोग कभी कभी करना चाहिए। तो हम उसी से इंस्पायर होकर साइकिल के प्रति जागरूकता लाने के लिए यह साइक्लोथॉन का आयोजन किया। कितने नेशनल साइकिलिस्ट इससे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? लगभग 550 नेशनल साइकिलिस्ट इसमें। एक और इंदौर पुलिस चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने की कोशिशें कर रही है। वहीं पुलिस की गश्त को चुनौती देते हैं वो बदमाश जो रात के वक्त दुकानों में घुसकर लाखों की नकदी और माल पर हाथ साफ कर लेते हैं। ऐसा ही एक वाकया सामने आया है, जहां शुक्रवार की रात को कुछ बदमाशों ने दुकान का ताला तोड़कर उसमें रखे लाखों रुपये चुरा लिए और वहां से कपड़े भी ले भागा। ये पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र के व्यापारी कहलाने वाले छावनी स्थित बिटिया रानी कलेक्शन कपड़े की दुकान में देर रात चोर ने धावा बोल दिया। चौंकाने वाली बात ये रही कि इस वारदात को एक महिला ने अंजाम दिया और यहां से 1,00,000 रुपये नकद और कपड़े लेकर फरार हो गई। चोरी की घटना का पता उस समय चला जब दुकान का मालिक सुबह दुकान खोलने गया। दुकान के ताले टूटे देख कर वह चौंक गया। दुकान में रखे 1,00,000 नकदी और हजारों के कपड़े चोरी हो चुके थे। दुकान में लगी सीसीटीवी फुटेज में चोरी की घटना को एक महिला अपने चेहरे पर नकाब पहनकर अंजाम देती नजर आई। दुकान संचालक ने पूरे मामले की शिकायत संयोगितागंज पुलिस को की, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की है। जो संयोगितागंज थाना क्षेत्र में है, उसमें चोरी की घटना हुई है और चोरी की घटना के दौरान कुछ सीसीटीवी फुटेज जरूर है। इसमें एक अज्ञात आरोपिया उसमें दिखाई देती है चोरी करते हुए। इस आधार पर वहाँ अपराध भी पंजीबद्ध हुआ है और पतासाजी के प्रयास किए जा रहे हैं। महिला सक्रिय है? हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कुछ महिलाएं हैं जो कहीं ना कहीं इस प्रकार की दुकानों में जाकर चोरी करती हैं, और इस पूर्व में भी काफ़ी इस प्रकार के महिला ग्रोह को पर्दाफाश किया गया है और इसमें भी शीघ्रता से इसमें पता लगाया जाए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी महिला की तलाश कर रही है, लेकिन शहर में बढ़ती चोरी की वारदातों ने एक बार फिर से पुलिस की रात्रि गश्त की पोल खोल कर रख दी है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजातरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए पत्रिका टीवी के साथ। मुझे यानी हार्दिक दवे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।